तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जेसीबी का मीटर में अगर हमारा रीडिंग नहीं दिखाई दे रहा है तो किस तरीके से हम उसको चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। जेसीबी का जो रीडिंग मीटर है वो क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से अभी इस मीटर में मेरा जो रीडिंग है यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि आपके मशीन में इस तरीके से अगर रीडिंग नहीं शो हो रहा है तो आप किस तरीके से उसको बनाएंगे, उसका सोल्यूशन क्या है, वो चीज मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम मीटर यहाँ पे बनाएंगे वो चीज आप देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों आ गए हैं मशीन के अंदर और दिखाते हैं, जो हमारा मीटर बॉक्स यहाँ पे खोल दिया हूँ और जो कि हमारे में इसमें लाइट अगर नहीं आ रहा है तो हमको क्या, देखिए क्या प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मीटर बॉक्स खोल लेना है। मीटर बॉक्स खोलने के बाद देखिए यहाँ पे मीटर बॉक्स निकालेंगे। मीटर बॉक्स निकालने के बाद यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे एक वायर आया है, वायर का गुच्छा है, यहाँ पे वायर का यहाँ पे गुच्छा निकला हुआ है जो कि मीटर बॉक्स में है। तो अगर ये वायर है ना लूज है तो इसको आप टाइट कर दीजिए। इससे क्या होता है कि अगर आप लगाए नहीं रहेंगे तो आपका रीडिंग का जो मीटर रहेगा वो दिखाई नहीं देगा। इस वायर को आपको चेक करना है। अभी मेरा वायर यहाँ पे लूज है, इसको टाइट कर दे रहा हूँ और जो कि आप देख सकते हैं इसमें देखिए एक प्रॉब्लम आ सकती है। इसको अभी मेरा यहाँ पे सही है रीडिंग, जो कि इसको आपको देख लेना है, जो आपका रीडिंग अगर नहीं आ रहा है तो वो कैसे ठीक करेंगे, तो इसको ठीक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि अपना फ्यूज रहता है, यहाँ पे एक फ्यूज रहता है, फ्यूज को आपको चेक करना है। अगर फ्यूज भी मिस्टेक है तो यहाँ पे फ्यूज भी खोल के दिखा देता हूँ कौन सा फ्यूज यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। और मीटर बॉक्स में आपने देखा कि जब यहाँ पे ये जो वायर दिखाया हूँ अगर ये लूज रहेगा तो इसको आपको टाइट कर देना है, खराब हो गया तो आपको चेंज कर देना है। और जो कि आप पहले यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ फ्यूज बॉक्स। फ्यूज बॉक्स खोलने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे फ्यूज बॉक्स है, देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे फ्यूज बॉक्स आ गया। अभी क्या करना है देखिए, तो कौन सा फ्यूज हमें यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा फ्यूज सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे ये वाला एक होता है मीटर का, यहाँ पे लास्ट वाला और यहाँ पे दूसरा वाला एक मीटर का होता है। तो जैसे कि इस फ्यूज को आप चेक करेंगे और इस फ्यूज को चेक करें, जब लाइट नहीं आता है मशीन में, जब करंट नहीं आ रहा है उसमें क्या बोलते हैं मीटर में, तो इसको आपको चेक करना है। और ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी मीटर का ही है, मीटर में पूरा लाइट नहीं आएगा, उसका काम नहीं करेगा। दोनों आपको फ्यूज चेक करना है, ये वाला और ये वाला, दोनों फ्यूज आपको चेक करना है। दूसरी लाइन में दूसरा नंबर और लास्ट में चौथा नंबर आपको चेक करना है, और ये दोनों चेक करना है और इसको चेक करना है। अगर लूज रहेगा आपको टाइट कर देना है तो दोनों आपका सलूशन हो जाएगा, जो है कि आपका मीटर में लाइट आने लगेगा बहुत ही आसानी से, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, इस तरीके से लाइट आपका चलने लगेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।